गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड 5। सब्जेक्ट इज इंग्लिश 1। सब्जेक्ट इंग्लिश 1 में लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर जो 5 था, वो लेसन है वो कंप्लीट किया था, जो एक डेविड और गोलियत की जो स्टोरी थी वो हमने पूरी कंप्लीट की थी। आज हम न्यू यूनिट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का यूनिट नंबर है 6, नेम है अवर नेशनल फ्लैग। अवर नेशनल फ्लैग हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी फ्लैग। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है कुछ इस तरह का है। तो ये जो लेसन है वो नेशनल फ्लैग के बारे में है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है। सो लेट सी द लेसन। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें यूनिट नंबर 6 है, पेज नंबर 47 पे स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 में आपको करना है इमेजिन योर स्कूल हैड अ फ्लैग। आपको इमेजिन करना है कि आपके स्कूल में फ्लैग है, हर स्कूल में होता ही है। और जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं, हमने आगे फेस्टिवल वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था ना कि हमारे देश में नेशनल फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेटेड किए जाते हैं एज वेल। सोशल जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी सेलिब्रेटेड किए जाते हैं। तो सभी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, उसमें जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो कौन से हैं? 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। तो वो सभी जो फेस्टिवल है उसके दिन ये जो फ्लैग होता है वो होस्ट किया जाता है ना। तो अब आपको आपके स्कूल में भी नेशनल फेस्टिवल्स के दिन फ्लैग होस्टिंग का जो प्रोग्राम होता है वो होता ही होगा। सभी स्कूलों में नेशनल फेस्टिवल के दिन अलग अलग प्रोग्राम्स है वो किए जाते हैं। तो आपको भी इमेजिन करना है कि आपके स्कूल में जो फ्लैग है, हाउ वुड इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। ड्रॉइंग इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो नीचे जो एक बॉक्स दिया गया है इसमें आपको फ्लैग है वो ड्रॉ करना है। इससे आपको फ्लैग है आपके बुक में जो स्पेस है वहां पे ड्रॉ कर देना और उसमें कलर भी कर देना। डिस्क्राइब योर फ्लैग विथ टू अदर क्लासमेट्स। दो और अलग क्लासमेट्स के साथ आपके फ्लैग को डिस्क्राइब करना है। यू कैन टेल देम थिंग्स लाइक व्हाई यू चूज दिस फ्लैग। आपको बताना है कि आपने ये फ्लैग ड्रॉ किया है तो आपने ये फ्लैग क्यों चूज किया। द कलर्स, व्हाट डू दे मीन, उसमें ये कलर्स फील क्यों किए हैं, ये कलर्स का मीनिंग क्या होता है। वैसे कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कशन करने हैं। अब हमारा लेसन स्टार्ट होता है, वो है एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में लेसन के अबाउट इंफॉर्मेशन दी गई है और उसमें जो लेसन है वो कन्वर्जेशन थ्रू दिया गया है ना। डायरेक्टली आपको पैराग्राफ के थ्रू लेसन से वो होते हैं ना, वैसे ये लेसन है वो पैराग्राफ थ्रू नहीं दिया गया है। ये लेसन आपको कन्वर्जेशन रीड करके आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे कन्वर्जेशन होती है, उसमें ग्रैंडपा, सुजल, अल्पा, ये तीनों के बीच में कन्वर्जेशन होती है। तो लेट्स सी क्या कन्वर्जेशन होती है। सबसे पहले है ग्रैंडपा। ग्रैंडपा सेज, वो क्या बोलते हैं, ग्रैंडपा बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्पा। सुजल एंड अल्पा, आप दोनों क्या कर रही हो। आप उनके दादाजी वो दोनों कुछ कर रही थी तो उनके जो दादाजी है वो उनको आस्क यानी पूछते हैं कि आप दोनों क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्पा। तो सुजल है वो बोलती है, आंसर देती है, वी आर कलरिंग अवर नेशनल फ्लैग। हम हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसको कलर कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं। अवर आर्ट टीचर हैज गिवन अस होमवर्क टू कलर अवर नेशनल फ्लैग। हमारे आर्ट टीचर है, उन्होंने हमारे फ्लैग में हमें होमवर्क दिया है कि फ्लैग में कलर करने का होमवर्क दिया हुआ है। फिर अल्पा बोलती है, ग्रैंडपा द बेस्ट कलर पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द सॉफ्ट बोर्ड। और बोलती है कि ग्रैंडपा जो बेस्ट कलर पिक्चर होगा, सबसे अच्छा कलर किया हुआ पिक्चर होगा, विल बी डिस्प्लेड, उनको डिस्प्ले किया जाएगा, शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा, लगाया जाएगा ऑन द सॉफ्ट बोर्ड, जो सॉफ्ट बोर्ड होता है उसके
और जिसने भी अच्छा किया होगा वो विल बी बिस्टोड द प्राइज। बिस्टोड यानी टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और प्रेजेंट, प्रेजेंट के तौर पे कुछ दिया जाए उसको हम बिस्टोड, तो गिव करना यानी देना। तो विल बी बिस्टोड द प्राइज, इनको प्राइज दिया जाएगा फॉर इट ऑन द इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस के दिन जिसने भी अच्छा काम किया होगा, अच्छा कलर किया होगा पिक्चर में, उनका डिस्प्ले उन्हें लगाया जाएगा और जो सॉफ्ट बोर्ड होगा उस पर डिस्प्ले किया जाएगा। और जिसका भी अच्छा होगा, जिसका भी काम अच्छा होगा उसको प्राइज भी दिया जाएगा। और कौन से दिन? इंडिपेंडेंस के दिन उनको प्राइज दिया जाएगा। तो फिर सुजल बोलती है, लुक ग्रैंडपा हाउ हैव आई डन इट, देखो ग्रैंडपा मैंने कैसे किया है, कैसा किया है। ग्रैंडपा वेल डन, ग्रैंडपा ने बोला अच्छा किया है। वेल डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, वो बोलते हैं कि ठीक है पर क्या हमारे नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री जानते हो, उसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्या वो आपको पता है कि नेशनल फ्लैग है वो हमारा नेशनल फ्लैग ऐसा ही क्यों है, तो उसकी भी कुछ हिस्ट्री होगी ना। तो वो पूछते हैं ग्रैंडपा के अवर नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री तुम आप जानते हो क्या। तो सुजल बोलती है नो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग, हमें नहीं पता है आप हमें बताओ कि नेशनल फ्लैग के बारे में हमें कुछ बताओ। तो ग्रैंडपा बोलते हैं द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज थ्री इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स। तो द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है उसमें थ्री इक्वल हॉरिजॉन्टल, ये जो ऐसे है इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। जो ऐसे होता है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और जो ऐसे होता है उसको हम बोलेंगे वर्टिकल। तो ये जो फ्लैग है वो हॉरिजॉन्टल वे में है, कौन से वे में है, हॉरिजॉन्टल। तो हमारे नेशनल फ्लैग में, इंडिया के नेशनल फ्लैग में थ्री इक्वल, ये थ्री बैंड्स है, ये एक, ये वन, ये टू और ये थ्री, थ्री पार्ट है ना, थ्री बैंड है, तीनों बैंड है वो इक्वल साइज के है, इक्वल साइज के, यानी ये थ्री इसके पार्ट का तो हम इक्वल साइज है इसकी, इसमें ऐसा नहीं है कि एक पार्ट है वो यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ऐसे वन टू और थ्री बनाया गया है ऐसे नहीं है, ये तीनों पार्ट है, ये तीनों बैंड है वो कैसी साइज है, तीनों की सेम साइज है, इक्वल साइज है, एक मोटा दूसरा थोड़ा छोटा ऐसा नहीं है। तो ये हमारा फ्लैग है वो इक्वल साइज में है, तो तीनों बैंड है वो इक्वल साइज के होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। द टॉप पैनल इज सैफ्रॉन, जो टॉप की पैनल है वो कौन से कलर की होती है, टॉप वाला पैनल है वो बैंड है वो सैफ्रॉन। सैफ्रॉन कलर का यानी ऑरेंज जैसा होता है। फिर द बॉटम पैनल इज ग्रीन, जो बॉटम है, बॉटम यानी नीचे की, जो नीचे की पैनल है वो कौन सी है, ग्रीन कलर है ना। और जो बीच में है यानी द टॉप पैनल इज सैफ्रॉन, द बॉटम पैनल इज ग्रीन एंड अ वाइट मिडल बैंड इज एट विथ सेंटर। और वाइट बैंड, ये जो बैंड है बीच वाला वो कैसा है, वाइट, वाइट कलर का बैंड
1947 में, ओके 1947 में 22 जुलाई में, वेन इट बिकेम द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया, जब वो हमारे जब किया गया तब हमारा जो फ्लैग है वो ऑफिशियल फ्लैग बन गया। ऑफिशियल फ्लैग यानी उसको एक्सेप्ट किया गया, ऑफिशियली उसको मान सबके द्वारा एक्सेप्ट यानी स्वीकारा गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑफिशियल। तो तब से वो हमारा ऑफिशियल फ्लैग बन गया यानी सबके थ्रू वो उसको एक्सेप्ट किया गया। फिर अल्पा बोलती है ग्रैंडपा हु डिजाइंड अवर नेशनल फ्लैग, कि हमारे नेशनल फ्लैग है ये ऐसा फ्लैग है, अलग अलग कलर इसमें डाले गए, अशोक चक्र डाला गया है, तो ये जो फ्लैग है उसकी डिजाइन किसने की है, किसने डिजाइन किया है ऐसा फ्लैग। तो सुजल बोलता है आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय पिंगली वेंकैया, क्या आएगा इसके द्वारा पिंगली वेंकैया।
अभी हम आगे जो कन्वर्जेशन है उन तीनों की वो कंटिन्यू करते हैं। नाउ रीड द कन्वर्जेशन। फिर सुजल कहता है व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ग्रैंडपा है वो, उनको दोनों को जो फ्लैग है उसका इम्पोर्टेंस है वो बताते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं द नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ नेशन। नेशनल फ्लैग है वो हमारे नेशन का, हमारे राष्ट्र का क्या है, सिंबल है। एवरी नेशन हैज अ फ्लैग। सभी जो नेशन है पूरे वर्ल्ड में, जितने भी नेशन है, सभी नेशन के पास खुद का एक फ्लैग होता है। नेशन है वो, सॉरी फ्लैग है वो सभी नेशन की आइडेंटिटी होता है। तो सभी नेशन, एवरी नेशन हैज अ फ्लैग। अ नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम। नेशनल फ्लैग है वो किसका सिंबल है, तो यूनिटी यानी एकता, ऑनर यानी मान सम्मान, एंड फ्रीडम, फ्रीडम फ्रीडम यानी आपको पता ही है कि जो ये है वो तीनों का एक यूनिटी, दूसरा ऑनर और तीसरा है वो फ्रीडम, फ्रीडम यानी आजादी का सिंबल है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स सच एज स्कूल एंड कोर्ट्स में होस्ट द नेशनल फ्लैग। सभी जो प्राइवेट बिल्डिंग्स होती है या तो फिर गवर्नमेंट पब्लिक बिल्डिंग्स भी होती है, वो सभी बिल्डिंग्स में जैसे कि स्कूल है, कोर्ट है, वहाँ सभी जगह पे क्या होता है, नेशनल फ्लैग का होस्ट किया जाता है। तो नेशनल फ्लैग यहाँ पे आपको बताया कि सभी नेशन का खुद का एक फ्लैग होता है। नेशनल फ्लैग सभी नेशन का फ्लैग है वो होता है। तो जैसे हमारे हमारे भी आइडेंटिटी के लिए कुछ हम होता है, तो सभी नेशन है वो खुद की पहचान के लिए सभी देश ने खुद का अलग अलग डिजाइन किया हुआ फ्लैग होता है। वो आपको मोबाइल में या कहीं पे भी आप देख सकते हो कि सभी नेशन के नेशनल फ्लैग है वो आपको देखने मिलेंगे। फिर अल्पा है वो कहती है आवर क्लास टीचर टोल्ड अस द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल फ्लैग। हमारे क्लास टीचर ने हमारे जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी हिस्ट्री बताई थी। यस्टरडे ही इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द नेशनल फ्लैग। यस्टरडे यानी कई काल जो कल थी, कल हमारी जो स्कूल में, आज तो वो दोनों घर पे थे क्योंकि आज छुट्टी थी और कलर करने को बोला था। तो कल उनके टीचर ने क्लास में जो नेशनल फ्लैग था उसकी हिस्ट्री उनको बताई थी। तो सुजल है वो कहता है प्लीज टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट। तुम हमें प्लीज हमें बताओ कि जो टीचर है उन्होंने नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री क्या बताई, क्या बताया उन्होंने वो हमें भी कहो। तो अल्पा है वो कहती है ही टोल्ड अस अबाउट इट्स थ्री हॉरिजॉन्टल कलर बैंड्स ऑफ इक्वल साइज। तो वो बोलती है, अल्पा कहती है कि उन्होंने हमें जो थ्री हॉरिजॉन्टल इक्वल साइज के थ्री बैंड्स है उसके बारे में, हमें कलर के बारे में बताया। तो ग्रैंडपा बोलते हैं यस अल्पा यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि हाँ अल्पा तुम एकदम सही हो। डू यू नो अबाउट द कलर्स एंड देयर मीनिंग्स। तो क्या तुम जो कलर है और उसके मीनिंग क्या है तुम जानते हो। जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो उसने हमने अभी देखा कि इक्वल बैंड्स है वो तीन अलग अलग कलर के हैं। पहला है वो सेफ्रॉन, बीच में है वो व्हाइट और बॉटम में है वो ग्रीन। तो सेफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन कलर ही क्यों लिया गया है, ये तीन कलर के, तीन कलर के अलावा भी बहुत सारे कलर है, तो ये तीन कलर है उसका मीनिंग क्या है, क्यों ये तीन कलर लिए गए, उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा ही। तो के दादाजी ने वो पूछते हैं कि डू यू नो अबाउट द कलर्स एंड देयर मीनिंग्स, क्या आप कलर और उसके मीनिंग के बारे में जानते हो। तो सुजल कहता है आई नो द टॉप मोस्ट सेफ्रॉन बैंड स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। के सुजल बोलता है कि मैं जो
टॉप मोस्ट है वो कौन से कलर का है? शेफ्रॉन कलर का। तो टॉप मोस्ट बैंड है जो शेफ्रॉन कलर का है उसके बारे में जानता हूँ। वो किसके लिए खड़ा होता है? वो करेज यानी हिम्मत। तो करेज एंड सेक्रीफाइस यानी बलिदान। तो जो टॉप मोस्ट कलर है वो किसके लिए खड़ा रहता है? तो करेज एंड सेक्रीफाइस का आपको याद रखना है। शेफ्रॉन कलर है तो वो किसके लिए है? शेफ्रॉन है वो करेज टॉप मोस्ट बैंड था सेफ्रॉन वो करेज और सेक्रीफाइस के लिए। तो ग्रैंडपा बोलते हैं राइट द बॉटम ग्रीन बैंड स्टैंड फॉर लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। तो जो बॉटम वाला कलर है कौन सा है? ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो लाइफ कहता है थैंक यू फॉर ग्रैंडफादर वी विल रिमेम्बर दिस फॉर एवर।
बोलता है और हम इसे हमेशा याद रखेंगे. ग्रैंडपा, वी हैव अ नेशनल बर्ड, एन एनिमल, अ फ्लावर एंड अ फ्रूट. हमारे पास नेशनल फ्लैग की तरह नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लावर है और नेशनल फ्रूट भी है. डू वी हैव अ नेशनल फूड? क्या हमारे पास नेशनल फूड है? तल्पा कहती है आई थिंक खिचड़ी. तो ग्रैंडपा है वो हंसने लगते हैं, हा 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 हा. नाउ प्रिपेयर इट, अब आप इसे प्रिपेयर करो. ऐसा कहती ये जो कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट होती है. तो आप आई होप कि आप सभी ने भी जो हमारे नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री है उसके बारे में जाना होगा और कौन से कलर का क्या इम्पोर्टेंस है, किस कौन सा कलर किसके लिए स्टैंड किया है वो भी आपने यहाँ पे सीखा ही होगा. तो आपको भी ये लेसन है वो घर पे फिर से रीड करना है और रिमेम्बर करना है. और यहाँ पे आपको बताया ना नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल फ्लावर कौन सा है और नेशनल फ्रूट कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए. ओके, तो नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लावर, वो सब आपको पता करना है. अगर आपको पता नहीं है तो घर में किसी को भी पूछ के आपको वो सब पता करना है. नेशनल फ्रूट फूड नहीं है,